हाय गाइस, वेलकम टू माय ट्यूचर फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज की लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम का सलूशन देखेंगे, जिन प्रॉब्लम का सलूशन बेस होगा पिछले टॉपिक के, लेकिन इंटर कन्वर्जन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट के फार्मूलाज के ऊपर बेस होगा। गाइस, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये एक क्वेश्चन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया गया है कि साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा ये सम में दिया गया है, यानी कि एडिशन वाले फॉर्म में दिया गया है। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है गाइस, ठीक है। तो अब देखें, हम ये फार्मूला जानते हैं, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 टाइम साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कॉज ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बराबर है 4 थीटा के और बी बराबर है 2 थीटा के गाइस, ठीक है। तो फार्मूला में यू 2 है, यू 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, साइन ये अपनी जगह पर आ जाएगा, ए की जगह हमारे पास क्या आया हुआ है 4 थीटा आया हुआ है, प्लस बी की जगह हमारे पास क्या आया हुआ है, बी की जगह आया हुआ है 2 थीटा गाइस, ठीक है। फार्मूला में डिवाइड बाई 2 है, तो हमने डिवाइड बाई 2 लिख लिया, इंटू कॉज, कॉज ये अपनी जगह पर, ए की जगह हमारे पास क्या आया हुआ है गाइस 4 थीटा आया हुआ है, बी की जगह क्या आया हुआ है 2 थीटा डिवाइड बाई 2 ये अपनी जगह पर गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 4 प्लस 2 सेक्स थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज 4 माइनस 2 2 थीटा डिवाइड बाई 2 गाइस, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2 साइन आवर 6 डिवाइड बाई 2 3 थीटा इंटू कॉज 2 डिवाइड बाई 2 थीटा। तो ये हमारा हो गया आंसर गाइस। और आप देखें कि ये जो सम में हमें गिवन था साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, अब ये इसका राइट हैंड साइड हमारे पास प्रोडक्ट में आ गया है गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा, अब ये सम के फॉर्म में दिया गया है, अब इसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में गाइस। प्लस के लिए तो हमने साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला देख लिया, अब माइनस के लिए जो हमने फार्मूला डिराइव किया था वो कैसे था गाइस, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। वो हमारे पास था साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 टाइम कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 गाइस, ठीक है। इस बात की ये यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए गाइस कि साइन ए प्लस ए तो 2 टाइम साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, लेकिन जब यहाँ पर माइनस आ जाता है तो कॉस के साथ ए प्लस बी आ जाता है गाइस, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन का कंपेरिजन करेंगे इस फार्मूला के साथ, तो इसको मैं कॉल कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको कॉल कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब देखें साइन, अब ए की जगह हमारे पास क्या आया हुआ है 5 थीटा माइनस साइन, और बी की जगह हमारे पास क्या आया हुआ है सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर कॉस दिया जाएगा, ए की जगह हमारे पास क्या आया हुआ है 5 थीटा प्लस बी की जगह हमारे पास आया हुआ है थीटा, और फार्मूला में 2 है तो 2 लिख लिया, इंटू साइन ए की जगह हमारे पास आया हुआ है 5 थीटा माइनस बी की जगह हमारे पास आया हुआ है सिर्फ थीटा डिवाइड बाई 2 फार्मूला में आ गया गाइस, ठीक है। अब देखें यहाँ से आगे 2 कॉस 6 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 2 गाइस, ठीक है। यहाँ से ही आगे आ जाएगा 2 कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा गाइस, ठीक है। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये हमारे पास सम फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये है इसका आंसर गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज, कॉस 12 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा सम के फॉर्म में गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट की फॉर्म में गाइज, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सोल्यूशन को, ये स्टार्ट कर लिया सोल्यूशन। क्वेश्चन गिवन है कॉस 12 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा सम की फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। अच्छा, हम फार्मूला जानते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी, यानी कि कॉस ए प्लस कॉस बी हमारे पास बराबर आ जाता है गाइज 2 टाइम कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। देखें जब कॉस ए प्लस कॉस बी आ जाए, प्लस आ जाएगा इस, ठीक है। तो कॉस दोनों एंगल का सम और उसका एवरेज अपने पास रखता है गाइस, ठीक है। इस बात की
आपको याद ध्यान ही कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब फिलहाल इस फार्मूले पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए की जगह क्या आया हुआ है 12 थीटा, तो इस फार्मूला के तहत कॉज ए की जगह 12 थीटा प्लस कॉज 4 थीटा ये वाला इज इक्वल टू 2 कॉज ए की जगह हमने क्या पुट किया 12 थीटा प्लस बी की जगह क्या पुट किया 4 थीटा डिवाइड बाई 2 फार्मूला में है वो आ गया इन टू कॉज ए की जगह हमने क्या पुट किया 12 थीटा माइनस अपनी जगह पर बी की जगह हमने पुट किया 4 थीटा डिवाइड बाई 2 गाइस। ठीक है, यहाँ से आगे आ जाएगा 2 कॉज 12 4 कितना हो जाता है गाइस 16 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज 12 माइनस 4 कितना होता है 8 थीटा डिवाइड बाई 2 गाइस। ठीक है, यहाँ से आगे आ जाएगा 2 कॉज 8 थीटा इंटू कॉज 4 थीटा गाइस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सम के फॉर्म में था कॉज 12 थीटा प्लस कॉज 4 थीटा ये हमारे पास आया 2 कॉज 8 थीटा इंटू कॉज 4 थीटा ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस कॉस थीटा माइनस कॉस 5 थीटा, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लिया गाइस। ठीक है, अब फार्मूला लिखेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी ये हमारे पास बराबर आता है माइनस 2 टाइम साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 गाइस। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कॉज फिर माइनस ए कॉज ए माइनस कॉज बी यहाँ पर माइनस आ गया तो अब कॉज अपने पास कोई भी नहीं रखता दोनों के दोनों साइन को दे देता है गाइस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए गाइस। अब देखें कॉज ए की जगह हमारे पास आया हुआ है थीटा माइनस अपनी जगह पर कॉज बी की जगह हमारे पास आया हुआ है 5 थीटा। ठीक है गाइस, इज इक्वल टू माइनस 2 अपनी जगह पर साइन बी अपनी जगह पर ए की जगह हमारे पास आया हुआ है थीटा प्लस बी की जगह हमारे पास आया हुआ है 5 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए की जगह हमारे पास आया हुआ है थीटा माइनस बी की जगह हमारे पास आया हुआ है 5 थीटा डिवाइड बाई कितना है 2 गाइस। ठीक है, यहाँ से आगे आ जाएगा माइनस 2 साइन 6 थीटा डिवाइड बाई 2 3 थीटा इंटू साइन इंटू 5 माइनस थीटा कितना हो जाता है माइनस 4 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है गाइस, अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस प्लस हो जाएगा 2 टाइम साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 डिवाइड बाई 2 2 थीटा ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कॉज क्वेश्चन का जवाब कॉज थीटा माइनस कॉज 5 थीटा। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री बराबर आता है 1/√3 के गाइस। ठीक है, यहाँ पर साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा तो साइन ए माइनस बी हमें क्या देता है गाइस साइन ए माइनस बी हमें देता है 2 cos A + B डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 गाइस। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा कॉज ए प्लस बी कॉज ए प्लस बी किस चीज़ के बराबर होता है कॉज ए प्लस कॉज बी बराबर होता है 2 टाइम कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 गाइस इसके बराबर होता है गाइस। ठीक है, तो अब इन फार्मूलाज को हम इस क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे गाइस। ठीक है, साइन 75 माइनस साइन 15 की जगह ये फार्मूला लगाएंगे और कॉस 75 प्लस कॉस 15 की जगह ये फार्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन इम्प्लाइज करेगा कि ये जो साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 टाइम कॉज ए हमारे पास क्या है गाइज 75 डिग्री प्लस बी हमारे पास क्या है गाइज 15 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या है प्रोडक्ट फिर साइन है और ए हमारे पास क्या है 75 डिग्री
माइनस 15 डिग्री ये आ गया गाइस। इसके नीचे भी 2 है और इसके नीचे भी 2 है गाइस। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर, और ये क्या है, ये है 2 कॉस ए 75 डिग्री प्लस बी 15 डिग्री डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री डिवाइड बाई क्या है गाइस 2। देखिए गाइस यहाँ से आगे आ जाएगा 2 कॉस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 गाइस। यहाँ से आगे आ जाएगा 2 कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय 2 कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री गाइस। ठीक है, अब देखिए गाइस हमें कॉस 45 की वैल्यू चाहिए, तो कॉस 45 कितने के बराबर होता है, 2 अपनी जगह पर। अब देखे कॉस 45 के लिए हम ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करते हैं जिसका हाइपोटेन्यूज अंडर द रूट 2 है, परपेंडिकुलर 1 और बेस भी 1 है। तो अब देखे कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर द रूट 2, तो कॉस 45 क्या आ जाएगा 1 बाई अंडर द रूट 2 गाइस। ठीक है, इंटू साइन 30 कितना होगा, और 30 के लिए हम ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज़ करते हैं जिसका हर साइड 2 2 के बराबर है गाइस। ठीक है, अब इसको हम दरमियान से क्या करके एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो इसका एक साइड हाफ हो जाता है, ये वाला 2 रहा और ये अंडर द रूट 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन 30 यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने वो कितना है 1। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो साइन 30 कितना हो जाएगा गाइस 1 बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 30 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 की जगह 1 बाई 2 गाइस। ठीक है, डिवाइड में क्या है गाइस 2 और कॉस 45 है, और कॉस 45 आया है हमारे पास 1 बाई अंडर द रूट 2 गाइस। ठीक है, इनटू कॉस 30, अब कॉस 30 कितने के बराबर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस 30 हमारे पास आ जाएगा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है अंडर द रूट 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है गाइस 2 है। तो ये हमारे पास कॉस 30 है, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर लेते हैं अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई कॉस नहीं लिखना होगा फिर डिवाइड बाई 2 गाइस। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप देखें 2 टाइम ये 2 तो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं, अब हम लिखेंगे 1 बाई अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई ये 2 इस 2 के साथ कट जाता है गाइस, हमें मिल जाता है अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 गाइस। इसको मैं मज़ीद इस तरह लिख सकता हूँ 1 बाई अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 3, ये इसके साथ ख़त्म हो जाता है, हमें मिल जाता है 1 बाई अंडर द रूट 3, जो उसको प्रूफ चाहिए था वो हमने प्रूफ कर लिया गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 10 4 थीटा 10 2 थीटा के बराबर लाने हैं गाइस। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर कॉस और कॉस ए, फिर आगे क्या है माइनस कॉस बी, ये बराबर आता है माइनस 2 टाइम साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इसके बराबर। नीचे कॉस प्लस 1 लग रहा है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर आता है 2 टाइम कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला हमने यूज़ करने हैं हम ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 साइन ए, ए हमारे पास क्या है 2 थीटा प्लस बी, बी हमारे पास क्या है 6 थीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा फार्मूला में 2 है तो 2 इंटू साइन ए हमारे पास क्या है थीटा माइनस बी हमारे पास क्या है 6 थीटा डिवाइड बाई क्या है गाइस 2। अब डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा,
प्लस कॉस 6 थीटा, प्लस वाला फार्मूला लगेगा, तो प्लस वाला फार्मूला आता है 2 टाइम कॉस ए प्लस बी, और ए कितना है 2 थीटा, प्लस बी कितना है 6 थीटा, डिवाइड बाय क्या है गाइस 2 है, इनटू फिर क्या है गाइस कॉस, अब ए ए कितना है, ए है 2 थीटा माइनस बी, और बी कितना है 6 थीटा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा गाइस 2 आ जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ से आगे आ जाएगा माइनस 2 साइन 8 थीटा डिवाइड बाय 2 4 थीटा, ठीक है, इनटू साइन माइनस 5 थीटा, कितना हो जाएगा गाइस माइनस 5 थीटा डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा गाइस, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर 2 थीटा है, हाँ 2 थीटा है गाइस, ठीक है, तो ये 2 थीटा है, तो ये हमारे पास 6 माइनस 4, तो ये 4 थीटा हो जाएगा गाइस, ठीक है। मैं परेशान हो गया कि 5 किस तरह ख़त्म होगा, अब 2 cos 2 cos, अब 6 थीटा 4 2 थीटा 8 थीटा डिवाइड बाई 2 4 थीटा, ठीक है गाइस, इन टू कॉस ये आ जाता है 4 थीटा डिवाइड बाई 2, लेकिन इसके साथ क्या आता है गाइस माइनस साइन आता है, ठीक है। अब देखें ये जो साइन है, ये हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगनोमेट्री में ये देखा था कि जब उससे हम डिडक्शन कर रहे थे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगनोमेट्री के क्या यूजेस है, तो उसमें हमने देखा था कि साइन माइनस जो एंगल होता है वो साइन बाहर लेकर आता है और एंगल को उसी तरह रख देता है, तो ये माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 2 थीटा डिवाइड बाई क्या है गाइज 2 अपनी जगह पर कॉज 4 थीटा इंटू कॉज, में हमने देखा था कि कॉज माइनस एंगल को क्या कर लेता है गाइज प्लस कर लेता है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉज प्लस 2 थीटा गाइज, ठीक है। ये 2:2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, हमें मिल जाएगा सिर्फ साइन 4 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई कॉज 4 थीटा कॉज 2 थीटा। अब यहाँ से आगे आ जाएगा गाइज साइन डिवाइड बाई कॉज कितने के बराबर होता है 10, और एंगल क्या है 4 थीटा, साइन डिवाइड बाई कॉज कितने के बराबर होता है 10, और आगे जो एंगल है 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, तो ये प्रूव्ड हो गया गाइज, और ये हमारा राइट हैंड साइड था गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज, तो अब इसको देखना होगा कि इसको हम किस तरह प्रूफ कर सकते हैं गाइज, ठीक है। ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए माइनस साइन बी ये बराबर आता है 2 टाइम कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, इसके बराबर। नीचे कॉज प्लस वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि कॉज ए प्लस कॉज बी इज इक्वल टू 2 टाइम कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये दो फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ होंगे गाइज, तो यूज़ कर लेते हैं इनको। साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, तो ये बराबर आ जाएगा 2 cos a प्लस बी, ए क्या है 5 थीटा प्लस बी क्या है 3 थीटा डिवाइड बाई क्या है गाइज 2 फार्मूला। आगे क्या है साइन, साइन ये आ जाएगा इधर क्या है a माइनस बी, ए कितने के बराबर है 5 थीटा, ठीक है, और b कितने के बराबर है 3 थीटा, और डिवाइड बाई क्या है गाइज 2, ये आ जाएगा डिवाइड बाई cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा, इसकी जगह आ जाएगा 2 cos ए कितना है 5 थीटा प्लस बी कितना है 3 थीटा डिवाइड बाई क्या है 2 इंटू आगे क्या है कॉज, कॉज आ जाएगा ए क्या है 5 थीटा माइनस बी क्या है 3 थीटा डिवाइड बाई क्या है 2 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 cos 8 डिवाइड बाई 2 4 थीटा, और आगे है साइन, और यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 3 2 थीटा 2 डिवाइड बाई 2, तो सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा गाइस, क्या आ जाएगा साइन थीटा, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos, यहाँ से आ जाएगा 8 थीटा डिवाइड बाई 2, तो 4 थीटा, ठीक है गाइस, इनटू हमारे पास क्या है cos 5 माइनस 3, तो 2 थीटा 2 डिवाइड बाई 2, तो 1 थीटा गाइस, ठीक है।
ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा जो कि बराबर आता है टेन थीटा के, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया गाइस, प्रूव्ड हो गया, सही है। तो